Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। नन्ही सी जान पर क्या बीती होगी, भगवान करे ये दिन किसी दुश्मन पर भी ना आए। लेकिन जब हम कुंचन को एक माँ की नजर से देखते तो बार बार एक ही सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई वजह तो होगी, वरना वो अब तो समझो ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई राज कोई वजह नहीं है, बल्कि गुंजन ने ये सब कुछ सोच समझ कर जानबूझकर किया। इससे कुछ सीखो शायल, इससे कुछ सीखो, यही कि अपना बच्चा ही सिर्फ अपना होता है और पराये का बच्चा हमेशा पराया। नहीं मौसा जी, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, बिल्कुल गलत। हमारे ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा चोट हमारी रचना को लगी। क्या बीती होगी उस बच्चे पर, लेकिन जी अगर हम कमजोर पड़ गए तो रचना को कौन संभालेगा, कौन सहारा देगा उसे, अब हम ही तो है उसके लिए। खैर हम जरा रचना से मिलकर। मम्मी क्या क्या आज रात हम यहां सो सकते हैं? हाँ बेटा आओ। चल आओ बेटा। समझ सकते हैं इस वक्त तुम्हारे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन बेटा जो बहादुर बेटियां होती है ना वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। माय डियर विहान। यस मॉम। आप सोई नहीं अब तक? जस्ट क्या करें, इस तमाशे के बाद तो हमारी आंखों में नींद ही नहीं है। माय डियर रिहान, तुमसे ना एक जरूरी बात करनी थी। श्योर, क्यों नहीं, अपनी क्यूट मॉम के लिए एनी टाइम आइए। अब बोलिए क्या जरूरी बात है। माय डियर रिहान, एक बात बता दे, क्या जो कुछ भी किया ना वो टू मच था? वैसे वहां तुम्हें सपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन एक बात सही सही बता दे कि वो गुंजन नाम की आफत इस घर के लायक बिल्कुल नहीं है। अरे अरे भाई आप अब तक यहाँ हैं? वेरी गुड, आज रात आप यहीं रुक जाइए। टॉपिक मत बदल छोटे, मैं माँ की बात से अग्री नहीं करता। सच सच बताओ तुम उन लड़कियों के साथ क्या खेल खेल रहे हो? बेटे ने गलती की और माँ सबके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गई। हमारी इच्छा हो रही थी कि वहीं तुम्हें एकदम से रोक देते, तुम्हारे कपूत ने पहले से ही वहां पे इतना सारा तमाशा खड़ा कर रखा। बेस्ट है, हमें खूब समझ आ रहा है कि आपके सपूत ने आपके खूब कान भरे हैं, कि हमने अपने माय डियर विहान को ठीक से पाला पोसा नहीं है, है ना? नहीं मां, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लीव इट, हम सब जानते हैं। अरे सौतेली माँ हुए तो क्या हुआ, है तो तुम्हारी माँ ही ना। अभी भी वक्त है। ओह कम ऑन मॉम, आप हर बात पे भाई को कैसे ब्लेम कर सकती है? पर आपको आज एक बात बता दूं, भाई को कोई जरूरत नहीं है ये बात साबित करने की कि वो मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर इंसान है। एंड थैंक गॉड कि आपने उन्हें बड़ा नहीं किया, वरना वो भी मेरी तरह बिगड़ैल होते। रिहान,
क्या हुआ मां? रुक क्यों गई? क्योंकि मैं आपका अपना हूं भाई। भाई मॉम इज जस्ट क्रेजी, प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानिए। वो गुस्सा मुझसे है और निकाल आप पर रही है। इट्स ओके विहान, मैं ऑटो ले लूंगा। नहीं भाई, मैं आपको ड्रॉप करूंगा। रहने दो, मैं चले जाऊंगा। भाई मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आपने अंदर मॉम से कुछ कहा क्यों नहीं? चुप क्यों रह गए? विहान मुझे मॉम के बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारे बात करने के तरीके से। कमॉन विहान, तुम्हारी माँ है वो, इस तरह बात करते हैं माँ से? भाई रहने दो, जस्ट बिकॉज आप सौतेले हो तो मॉम आपसे कैसे भी बात करेंगी? सौतेले बच्चे प्यार के हकदार नहीं होते। और फिर मेरे भाई से कोई ऐसे बात करेगा, आई जस्ट कांट टेक इट, इट्स जस्ट नॉट डन। इसे कहते हैं गुड लक। हमने कुछ किया भी नहीं और गुंजन अपने आप ही हमारे जाल में फंस गई। घर बैठे फ्री में एंटरटेनमेंट, तो इसे कहते हैं चाची। लेकिन एंटरटेनमेंट अभी बाकी है, 27 जनवरी को। मतलब अरे दीदी, 27 जनवरी को हीरो सारेगामप्पा ग्रैंड फिनाले 2012 होने वाला है। अरे वाह। हाँ अब पता है, वो भी हमारे फेवरेट चैनल जी टीवी पे शाम 7:30 बजे से। तब तो बहुत मजा आएगा और हमें डबल मजा। हमने तो तय कर लिया है कि पुणे के जसराज जोशी है ना, हम अपना सपोर्ट उन्हीं को देंगे। देख लेना वही जीतेगा। हाँ अरे हाँ दीदी, वही जीतेंगे, करिश्माई जसराज जोशी। पता है टॉप 4 कंटेस्टेंट में वो सबसे प्रतिभाशाली कंटेस्टेंट है। और क्यों ना हो भला, शंकर महादेवन की टीम से जो है। आज तक आप ही ने बेड़ा पार लगाया है और आगे भी आप ही लगाओगे। आपको जो ठीक लगे करिए, लेकिन हमें इस दलदल से बाहर निकालिए। इस मुश्किल की घड़ी में हमें शक्ति दो, शांति दो, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। रचना जग गई, अपने कमरे में है। नहा लिया? चलो अच्छा है, लो आरती लो। गुंजन दिखाई नहीं दे रही? सुबह सुबह गुंजन कहाँ चली गई? छत, शायद वहां होगी। क्या हुआ दीदी? नहीं वो गुंजन। क्या दीदी, सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेते और आप उस लड़की का नाम ले रही? अच्छा वो हमें दिखाई नहीं दी, नहीं तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता। इसे जरा मंदिर में रख देना। घर में सब जगह देख लिया, वो कहीं चली गई है। चली गई? कहाँ चली जाएगी? पता नहीं, इस लड़की के तो तमाशे ही खत्म नहीं होते। सगाई के वक्त भी गायब थी, अब फिर से गायब हो गई। माँ तुम फिर शुरू हो गए, कम से कम मौका दे के बात करो। क्या कह रहे मैन जी आप? जिस लड़की की वजह से कल आपकी बहन का इतना अपमान हुआ, आप उसी की? ठीक, कैसे भाई हैं आप? माना किस वक्त उसने गलती की थी, लेकिन इस घर में वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आकाशी को क्या जवाब देंगे? और फिर वो बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है। मैं सब कुछ फिर भी कैसे मरी जा रही है उसकी, कमाल है बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो इस घर में, वो हमारी जिम्मेदारी थी। फिर चलिए ना, ढूंढते हैं उसे, हम भी चलते हैं आपके साथ, चलिए। हाँ शायद, हाँ। नहीं दाई जी, आप मत जाइए, मैं जाके देख के आता हूँ। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।